एक चीज बुनियादी हमें समझनी पड़ेगी कि भारत में पावर की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके का जो ईवीज का आगे आने वाले समय में चलन होगा, तो पावर की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गाड़ियों को भी चार्ज करना रहेगा, तो इसके लिए पावर के रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट प्लेयर्स दोनों होंगे। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो भारतीय सरकार की एक कंपनी है, अग्रणी कंपनी है, वो प्राइमरली फाइनेंस उपलब्ध कराती है पावर कंपनीज को। और इस समय पोस्ट करेक्शन बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, और बहुत ही स्ट्रांग कैश फ्लोज हैं कंपनी के। इसका जो पहला टारगेट 160 का है, फॉलोड बाई 180, तो इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, पीएफसी। अभी अभी आरईसी खरीदारी करने की राय देके गए हैं भसीन साहब भी, और पीएफसी बजट के लिहाज से पसंद है यहाँ पर चोपड़ा साहब।